तो दोस्तों बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग में नई भर्ती आई है, जो कि अच्छा मौका है। आपको बता दें कि अप्लाई शुरू है, तो जल्दी करें, समय इसका कम है। तो पद की बात करते हैं, सुरक्षा प्रहरी का ये पद है। तो चलिए यहाँ पे विज्ञापन जो जारी किया गया है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा विज्ञापन जो जारी किया गया, ये पेपर का कटिंग है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सब बुनियाद केंद्र पटना सदर। और यहाँ बताया गया है कि गाड़ी खाना खगौल रोड दानापुर पटना। और यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह, यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि अल्पकालीन सिक्योरिटी गार्ड की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिला जो हो गया पटना जिला अंतर्गत 6 बुनियादी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के तहत सिक्योरिटी गार्ड की आपूर्ति हेतु योग्य एवं अनुभवी एजेंसी से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है। पात्रता मापदंड, नियम और शर्तें आदि के बारे में विवरण वेबसाइट, ये वेबसाइट इस पर अपलोड किया जा सकता है या उपरोक्त पते पर कार्यालय से कार्य दिवस से प्राप्ति किया जा सकता है। और यहाँ पे बताया गया है कि निविदा दो अलग अलग सीलबंद लिफाफे, एक तकनीकी निविदा एवं दो वित्तीय निविदा को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर उसके ऊपर स्वीकृति गार्ड हेतु निविदा लिखकर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई पटना के पता यहीं पर यह रहा, गाड़ी खाना खगौल रोड दानापुर पटना पर जो गया अंतिम तिथि 25/10/2021 अपराह्न 4:30 बजे तक को यहां पे या उससे पहले तक स्पीड पोस्ट, यहां पे दोस्तों की स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से जमा किया जाना है। तो यहां पे स्पीड पोस्ट करना है। और यहां बताया गया कि आमंत्रित प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नलिखित तालिका अनुसार, तो यहाँ पर ये दिया गया है जो कि यहाँ बताया गया है कि विवरण। तो अभिरुचि आमंत्रण की उपलब्धि यहाँ बताया गया कि 4/10/2021 से 25/10/2021 तक, दिनांक यहाँ बताया गया है। और यहाँ बताया गया कि प्रस्ताव प्रारंभ तिथि 4/10/2021, प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि जो हो गया 25/10/2021 संध्या 4:30 बजे, निविदा खोलने की तिथि जो हो गया 27/10/2021 11 बजे तक। तो यहाँ पर निविदा भी खोला जाएगा यहाँ पर 27/10 को। और यहाँ पर बताया गया है कि जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई पटना बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा या इसकी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in PRD बिहार पर देखा जा सकता है। और भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सको। विशेष यदि आपको देखना है तो आपको मैं क्या कहूँ, यूट्यूब का टेलीग्राम का ग्रुप इसी वीडियो को जिसको समय दे दिया हूँ, जहाँ से जाकर इसको अच्छा से पढ़ सके और समझ सकते हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हो पूरे यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। चलिए आप बात करते हैं इस भर्ती की। तो यहाँ पे निविदा खोलने की तिथि यहाँ पे 27/10/2021 11 बजे है। तो यहाँ पे आपको बता दें निविदा खुलेगा 27/10/2021 को, उसके बाद ये वैकेंसी आएगी। क्योंकि ये वैकेंसी जो है यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पटना जिला अंतर्गत 6 बुनियादी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के तहत सिक्योरिटी गार्ड की आपूर्ति होती योग्य एवं यहाँ पे बताया गया कि अनुभवी एजेंसी से सीलबंद निविदा आमंत्रित। तो ये एजेंसी के लिए है जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का प्रबंध करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। तो ये अभी एजेंसी की भर्ती है, एजेंसी की भर्ती होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी, जो कि यहाँ पर जो हो गया निविदा खोलने की तिथि 27/10/2021 को ये निविदा खोली जाएगी। उसके बाद ही यहाँ पर जो एजेंसी का सिलेक्शन होने के बाद ही ये निकाली जाएगी सिक्योरिटी गार्ड की। तो ये रहा 6 बुनियाद केंद्र जो यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ के बुनियादी केंद्र का नाम यहाँ पे बताया गया है, बुनियादी केंद्र का पता यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जो कुल संख्या है, कितना कितना पद होगा किस केंद्र में, तो यहाँ पर बता दिया गया है। तो दोस्तों यही है न्यूज़ और नोटिस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे में जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।